चलिए अब हेलो दोस्तों, मैं गुंजा सोनी एसपी शुक्ला एजुकेट से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को नमस्कार। आइए चलिए आज प्रैक्टिस सेट फिर 50 नंबर लेके 50 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। आप लोग ऐसा करिएगा कि थोड़ा फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मैं और भी क्वेश्चन करवा दूँगी अगर एक घंटे में टाइम रहेगा। ठीक है, नेटवर्क की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम देर भी हो गई है। चलिए आइए, आप लोग सब जितने भी बच्चे हैं आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और फटाफट आंसर दीजिए और लाइक भी करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, आइए चलिए चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, मैं क्वेश्चन देखती हूँ दिखाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ या मंटो मेरा दुश्मन? चलिए आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही या मंटो मेरा दुश्मन? देखिए अतीत के चलचित्र इन्हीं का है, महादेवी जी का, स्मृति भी है, पथ के साथ ही भी है, लेकिन मंटो मेरा दुश्मन यह किसकी रचना है बताइए आप लोग? या उपेंद्रनाथ अक्ष जी का है ना, उपेंद्रनाथ अक्ष जी का है, या किसका है उपेंद्रनाथ? करेक्ट आंसर डी होगा, जिन्होंने डी बताया है उनका आंसर सही है। आइए दूसरा देखिए, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदाशुख लाल राय, इंशाल्लाह खां या सदल मिश्र बताइए आप लोग? अगर लल्लू लाल की बात करें तो इनकी रचना है प्रेम सागर ना, प्रेम सागर। सदा सुखलाल जी का प्रेम से ही है ना सुख सागर, अगर इनके नाम से पकड़ लीजिए सुख सागर, सुख सागर। इंशाअल्लाह खान का जानते हैं, रानी केतकी की कहानी। देखिए अब हम फटाफट बताते हैं, करेक्ट आंसर सदल मिश्र। ठीक है, नासकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र, करेक्ट आंसर इज डी। आइए दूसरा देखिए, इनमें कौन सी वर्तनी दृष्टि के, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल? आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। देखिए जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो मैं क्वेश्चन बढ़ा दूंगी। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर देते रहिए। अगर इसे करेक्ट आंसर की बात करूं जिसमें आधा ज डबल होने चाहिए वही सही होगा, तो किसमें है? बी में, करेक्ट आंसर लीजिए बी, जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है। ठीक है, आइए आप लोग जल्दी जल्दी बच्चे लाइव हो जाइए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोलक, उत्पत्तिवाद, शंकुक, अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट, भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद? आंसर दीजिए आप लोग। देखिए अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया है, इनके नाम से आप पकड़ सकते हैं। भट्ट लोलक ने उत्पत्तिवाद दिया है, शंकुक ने भी अनुमतिवाद दिया, लेकिन आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट ने भुक्तिवाद नहीं दिया। करेक्ट आंसर लीजिए सी। आप लोग बताइए भुक्तिवाद किसने दिया है, किस आचार्य ने? मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। आइए दूसरा देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या नरेश मेहता? आंसर दीजिए आप लोग। फूल नहीं रंग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा बताइए? केदारनाथ अग्रवाल, करेक्ट आंसर ए, जिन्होंने ए बताया उसका आंसर सही है। ठीक है, क्या बता रहे हैं आप लोग, ए? हाँ गुड। आइए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रीप्रवास, साकेत या पल्लव? देखिए जितनी भी रचनाएं हैं आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये ना सोच के पढ़िएगा ये, अरे ये तो हमको आता है, कभी कभी आते हुए भी क्वेश्चन पेपर हम गलत कर देते हैं। ठीक, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग जितनी बार पढ़ेंगे आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। चलिए आंसर दीजिए, देखिए साकेत, साकेत में कितने कितने सर्ग हैं? 12। देखिए ये छोटा है तो इसमें छोटा ही रहेगा, इसमें 12, उसके बाद इससे छोटा, इससे बड़ा ये कामायनी में 15, प्रीपवास सबसे बड़ा तो इसमें 17। ठीक, ये पल्लव, पल्लव पंत जी की रचना है, यह महाकाव्य नहीं है। करेक्ट आंसर लीजिए डी। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तन कब प्रकाशित हुआ? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तन प्रकाशित होता था दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक?
ये जो था 30 मई 1926 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर जी ना, पंडित जुगल किशोर जी किए थे 1926 ईस्वी। ये क्या था? यह साप्ताहिक था, दैनिक नहीं था, न मासिक न त्रैमासिक। करेक्ट आंसर इज बी, जिन्होंने बी आंसर दिया उनका करेक्ट है। आइए दूसरा देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या था? तवस्सु, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया, बताइए आप लोग आंसर दीजिए कि प्रेमाख्यान काव्य जो सूफी कवियों की परंपरा थी उनका मुख्य दर्शन क्या था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए अहमदिया तो नहीं था, ना तो अहले अहिद था, ये भी नहीं था, ना हनफी था, ये तवस्सुब था। करेक्ट आंसर इज ए, जिन्होंने ए बताया उनका सही है। आइए दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने आचार्य कवि को कवि कहा है, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधित्व कवि थे, या केशव रीतिमुक्त धारा के कवि थे? आंसर दीजिए आप लोग। अगर हम रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की थी, हाँ उन्होंने किया था, कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की थी, ये सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है, उनको आचार कहा जाता था। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि के प्रतिनिधि थे, हाँ वो भी थे, लेकिन ये जो केशवदास जी हैं ये रीतिमुक्त धारा के नहीं थे, यह रीतिबद्ध थे ना, यह रीतिबद्ध थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, जिन्होंने डी आंसर दिया उनका सही है। आइए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिशंद थे? सरस्वती, कवि वजन सुधा, नागरी पचारी पत्रिका, या सुकवि? क्या बता रहे हैं आप लोग, आंसर दीजिए। अगर देखिए सुकवि तो थे ही नहीं, नागरी पचारी सभा भी नहीं थी, न तो सरस्वती, इनका करेक्ट आंसर कवि वचन सुधा, हरिचंद मैगजीन कवि वचन सुधा इन्हीं का था ना, इसी के ये संपादक थे, करेक्ट आंसर बी वाले बच्चे सही हैं। जय मयंक जय चंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए, भट्ट केदार, नरपतिनाल, नल्ल सिंह, या मधुकर कवि? देखा है, जय मयंक जस चंद्रिका, आप लोग भट्ट केदार और मधुकर में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर मधुकर कवि है ना, कि भट्ट केदार है, क्या दे रहे हैं आप लोग? इसका करेक्ट आंसर मधुकर कवि, डी इज करेक्ट। आप लोग फास्ट करिए, मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगी, ठीक है, अगर व्याख्या दूंगी टाइम लगेगा, फटाफट आंसर दीजिए। संतन को कहां सी करी सो काम या अभिकथन किसका है? संत कबीरदास जी का, संत रैदास का, कुंभन दास जी का, या मलुकदास जी का? संतन को कहां सी करी सो काम, देखिए इसका करेक्ट आंसर फास्ट को सबसे पहले कौन देता है? संत कबीरदास जी का तो नहीं है, न रैदास जी का, और न ही मलुकदास जी का, यह किसका है? यह कुंभन दास जी का। इनको जब राज दरबार में बुलाया गया था तब इन्होंने कहा था संतन को कहां सी करी सो काम, करेक्ट आंसर इज सी, सी वाले बच्चे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि दूसरे सप्तक में शामिल नहीं थे? बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर, या मुक्तिबोध? आंसर दीजिए आप लोग। दूसरे सप्तक में शकुंत माथुर पहली लेडीज थी, इन्होंने पहली महिला थी ना, और दूसरे में, तीसरे में कौन थी? कीर्ति चौधरी। चौथे में बताइए सुमन राजे, चलिए आंसर दीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये भी थे, ये भी थे, और ये भी थे, ठीक है, कौन नहीं था? मुक्तिबोध, जिन्होंने डी बताया उनका आंसर सही है। आइए दूसरा देखिए, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसरंजन, या भारत भारती? बताइए निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, आंसर दीजिए आप लोग, क्या बता रहे हैं आप लोग? दीजिए आंसर। देखिए ये भी महाखंड काव्य है, रसी रस रंजन किसका है? ये भारत भारती तो मैथिली जी का है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, लेकिन ये जो रसिक
रसज्ञ रंजन ये किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है ना? क्यों? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। सी है कि बी? आप लोग बताइए, सी है कि बी? करेक्ट आंसर इज सी। आइए दूसरा देखिए, सुधन आगतम में कौन सा संधि है? गुड़ संधि, अयाद्य संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? सुधन आगतम में क्या होगा? स्वागतम ना, स्वागतम। देखिए एक ट्रिक है, जहां भी आपको आधा अक्षर मिले, ठीक है, आधा अक्षर वा के पहले या के पहले, तो आप समझिए वो हमेशा यण होता है। अगर ये वा आए या ये आए और आधा स्वर व्यंजन कुछ स्वर व्यंजन आए, तो आप समझिए कि यण संधि होता है। ये ट्रिक है पकड़ने की। वृद्धि होगी नहीं, वृद्धि में डबल चुटिया रहती, आयाद है नहीं, गुण है नहीं। करेक्ट आंसर ये डी। जिन्होंने डी आंसर बताया उनका सही है। आइए दूसरा देखिए, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्यय भाव, बहुव्रीहि, द्वंद या द्विगु? क्या बता रहे हैं आप लोग? आंसर दीजिए। जय और पराजय, ये देख रहे हैं ना निशान, योजक चिन्ह। जहां योजक चिन्ह होता है कौन सा होता है? समास। आप लोग को बिना देखे ही अगर योजक चिन्ह दिख जाए तो आप लोग द्वंद लगा दीजिए, क्योंकि जहां रहेगा गधे के डंडी वहां लड़ाई जरूर होगी, इसलिए जय पराजय में द्वंद समास। दीर्घ तो होगा नहीं क्योंकि इसमें संख्यावाचक नहीं है, बहुव्रीहि है नहीं जो दूसरा अर्थ बता रहा है, अव्यय लगा नहीं है जो अव्यय बताएगा। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सी वाले बच्चे सही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? केशवदास जी को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को? ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसको सब पढ़ते हैं। आंसर दीजिए इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवक्ता किसे माना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चिंतामणि जी को ना इन्होंने प्रवर्तक माना है। आइए दूसरा देखिए, सी। सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सूची पत्र, किताब, गंगा या संसद? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ते हैं ना आप लोग, आंसर दीजिए संसद। संसद बैठती है या बैठता है? संसद बैठती है ना, आप लोग उसको बोल के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आप लोग बोल करके पहचान सकते हैं। गंगा बहता है या बहती है? बहती है। किताब पढ़ी जाती है कि पढ़ा जाता है? पढ़ी जाती है। अब बचा क्या? सूची पत्र। सूची पत्र निकाली जाती है कि निकाला जाता है? सूची पत्र निकाला जाता है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए। जिन्होंने ए बताया वो आंसर करेक्ट है। संसद गंगा किताब स्त्रीलिंग है, बाकी सूची पत्र पुलिंग है। आइए दूसरा देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत की बात हो रही है, संवत 1661, संवत 1633, संवत 1664, इनमें से कोई नहीं। अगर हमें इसमें निकालना है तो क्या करेंगे हम? उसमें 57 घटा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? जी 1661। करेक्ट आंसर 1661। अगर हमें इसमें निकालना है तो हम इसमें 57 प्लस माइनस कर देंगे, 11 में से 7 गया, कितना होगा? 31 है ना, 11 से हमने 7 निकाला तो कितना बचा भैया? 4। देखिए गलत ना हो इसलिए मैं गिन के निकाल रही हूँ। अब 12 में से 5 निकालेंगे तो कितना होगा? 7। यहाँ बचा इतना, सही है ना? 10, 11, 11 से मैंने 7 निकाल दिया तो 4, 1574 ईस्वी आया। ठीक है, अगर हम ईस्वी लेंगे तो 1574। करेक्ट आंसर इज ए। दूसरा देखिए, लोगहे लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मोर कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। आलम, दुजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं।
यह पंक्ति जो है यह बहुत फेमस हो चुकी है, इसका भी आंसर किसी गलत कोई गलत नहीं बताएगा, ठीक है ना। सब लोग सही आंसर बताइए। आप लोग मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहिए बेटा। आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। घनानंद जी है ना, इन्होंने कहा था लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। करेक्ट आंसर लीजिए सी। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना छापे प्रकाशित वापिस कर दिया था? असलीन का आरोप लगाया था, गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बनारसी दास चतुर्वेदी, किसने वापिस किया था बिना छापे हुए? तो यह जयशंकर प्रसाद की जूही की कली है, इसको इसमें अश्लीलता का आरोप लगा करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे वापिस कर दिया था बिना प्रकाशित किए हुए। करेक्ट आंसर लीजिए सी। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री, चौथे सप्तक में कौन सी कवित्री है? शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिकर्णिका मोहिनी, मणिका मोहिनी या कीर्ति चौधरी, बताइए। आप लोग आंसर दीजिए। अभी मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया ना, शकुंत माथुर किसमें है? दूसरे में है, सप्तक चार थे, महिलाएं तीन ही थी, पहले में कोई नहीं था, ये तीसरे में थी। और देखिए आप लोग एक समझ भी सकते हैं, ये छोटा है कीर्ति, इसमें तीन नहीं। और सुमन राजे जो थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुमन राजे, ये तो थी ही नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर ये बी, कीर्ति चौधरी तीसरे में, शकुंत जी दूसरे में, सुमन राजे चौथे में। करेक्ट आंसर ये बी, जिन्होंने बी बताया उनका सही है। आइए दूसरा देखिए, शैद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? जान कवि, आलम, रश खान या इनमें से कोई नहीं। जो सैयद इब्राहिम खान थे वो कवि में जब बने तो उन्होंने अपना नाम रखा, तो उसमें क्या नाम था उनका? जान कवि, आलम या रश खान, बताइए आप लोग आंसर दीजिए। देखिए इन्होंने जान कवि तो रखा ही नहीं था और न ही आलम, जो रश खान जी थे इन्हीं का नाम था सैयद इब्राहिम खान रश खान, ठीक है, सैयद इब्राहिम रश खान। करेक्ट आंसर लीजिए सी। आइए दूसरा देखिए, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है आपका? वैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्क में चलना या एक ही सहारा, आंसर दीजिए। ये मुहावरा है ना, इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए। देखिए ये मुहावरा किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी दीजिए। देखिए बैसाखी का सहारा तो नहीं होगा, अंधी की विशेष छड़ी भी नहीं होगी, कुमार पे चलना भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा एक ही सहारा, जैसे श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए एक ही सहारे थे ना, अंधे की लकड़ी थे। करेक्ट आंसर ये डी, जिन्होंने डी आंसर दिया उनका सही है। आइए दूसरा देखिए, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? नीर का निर्माण, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह, आंसर दीजिए आप लोग। अच्छा ये नीर का निर्माण किसका है? ये बच्चन जी का है ना, बच्चन जी का है, इन्होंने चार आत्मकथाएं लिखी हैं। मेरी जीवन यात्रा किसकी? राहुल जी का है, राहुल सांकृत्यान का। मेरी जीवन प्रवाह ये किसका है? आप लोग बताइए आंसर दीजिए। और यशपाल का आत्मकथा है सिंहावलोकन, ठीक है। करेक्ट आंसर ये भी, देखिए मैंने जीवन यात्रा बताया है, मेरी जीवन यात्रा राहुल जी का है, लेकिन मेरा जीवन प्रवाह ये किसका है? सांकृत्यान पूरा रहती है, बच्चन जी समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर ये भी, आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र धन्यवाद मिला, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक नाम है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। देखिए सही वाक्य में बच्चे काफी फंस जाते हैं, है ना, जब शुद्ध अशुद्ध आता है और सही वाक्य उसमें बच्चे काफी फंस जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिए, बताइए क्या है। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये तो सही है, लेकिन अनेकों नाम श्री कृष्ण एक है ये बहुवचन है, इसलिए ये गलत। आपका पत्र धन्यवाद मिला, स धन्यवाद, ये भी गलत। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बंदूक अस्त्र है कि शस्त्र है? अस्त्र है ना, तो ये भी गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं, अगर श्री कृष्ण एक है तो अनेक होगा। करेक्ट आंसर लीजिए सी। जिन्होंने आंसर सी दिया है उनका बिल्कुल सही है,
ठीक है, बाकियों का तो रॉन्ग है। आइए दूसरा देखिए। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री या कवयित्री। ये तो कॉमन है चुका है, किसी गलत नहीं होगा, पीछे मैंने कराया भी था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर लीजिए बी। आइए दूसरा देखिए। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी सरस्वती में, सन 1900 ईस्वी विशाल भारत में, सन 1903 ईस्वी सरस्वती में, या इनमें किसी में नहीं? बताइए आप लोग कहाँ छपी थी इंदुमती। आप लोग क्या बता रहे हैं, इंदुमती कहाँ छपी थी? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 1900 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी, 1900 ईस्वी में कि 1901 ईस्वी में, आप लोग बताइए। इसका संबंध तो 1957 था जब ये लिखा गया था। करेक्ट आंसर लीजिए ए, ये भी गलत है, शायद 1901 ईस्वी है। आप लोग बताइए आंसर। चलिए दूसरा देखिए। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिल्ट्राइस, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, जो ये कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना हुआ था, इसमें हमारे दो कवि मुंशी के पद पर थे ना, वो दोनों कवियों का आप लोग नाम कमेंट कर दीजिए, कौन कौन से थे आप लोगों के याद है तो आप लोग कमेंट करिए। देखिए इसके करेक्ट आंसर एक तो इसी में है, एक तो इसी में, एक लोगों का नाम बताना है आपको, ठीक है। इन्होंने जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ना, इनके संस्थापक भी यही थे, लेकिन मैंने पूछा मुंशी के पद पर जो थे कभी उनका नाम बताना, एक तो सदल मिश्र थे, एक दूसरे का नाम आप बताइए। चलिए नेक्स्ट। उज्ज्वल का शब्द का सही संधि विच्छेद, उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए, उज धन ज्वल, उज्ज्वल धन वल, उत धन ज्वल या उज्जन वल। अच्छा, ये उज्ज्वल संधि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है ना, या व्यंजन संधि है? अब इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत धन ज्वल, ठीक है, उत्त धन ज्वल। हाँ, जिन्होंने सी आंसर दिया उनका सही है। आइए दूसरा देखिए। अब लव नसानी अमना नसयो पद के रचयिताकार कौन है? सूरदास, कुमनदास, तुलसीदास या गोविंद स्वामी। इसको किसने रचा है, किस रचयिता इन्हों इसको किसने कहा है, अब लव नसानी अमना नसयो। ये भी पंक्ति बहुत अच्छी है, बताइए आंसर। जो हमारे पुराने बैच वाले बच्चे होंगे या पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ा, उनका तो गलत ही नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए गोविंद स्वामी तो कहे ही नहीं थे ना, तो सूरदास जी कहे थे और ना ही कुंभद दास जी। इसको कहा किसने था, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, अब लो नसानी अब ना नसइयो। करेक्ट आंसर लीजिए सी, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक बताइए, वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए आंसर दीजिए। देखिए मैं सबका नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे क्वेश्चन है, मुझे उसमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए वियोगी हरि तो है नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं है ना, हजारी प्रसाद इन्होंने तो आदिकाल दिया था, लेकिन अगर एक करेक्ट आंसर है तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श किसका है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। करेक्ट आंसर क्या है, डी, जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका सही है। फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग, जितना फास्ट करेंगे उतना ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। आइए दूसरा देखिए। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, डॉक्टर नागेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने, बताइए।
कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कौन कह सकता है? आपको क्या लगता है? जो बहुत शांत प्रिय रहता हो, उसके नाम में झलकता हो शांति प्रियता। इसके करेक्ट आंसर है डी। जिन्होंने डी आंसर दिया उनका सही। डॉक्टर इंद्रनाथ मतदान ने नहीं कहा, ना मुक्ति बोधो, ना ही नागेंद्र जी ने। नागेंद्र पे आप लोग ना चले जाइएगा, ठीक है। आइए दूसरा देखिए, करेक्ट आंसर है जी डी। द्विज, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें सभी। बताइए द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज क्या है? क्या ब्राह्मण है या दांत है या पक्षी है या इनमें सभी है? क्या बता रहे हैं आप लोग? हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? यह ब्राह्मण भी है, दांत भी है, पक्षी भी है और तीनों है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। करेक्ट आंसर ये जे डी, ये सभी है। आइए दूसरा देखिए, अविघ्न शब्द का विलोम बताइए। विघ्न, सविघ्न, अनविघ्न या सुविघ्न। विलोम शब्द बताइए आप लोग, गलत नहीं होना चाहिए, विलोम तो सबको आता होगा। बताइए अभिघ्न शब्द का विलोम क्या है? आंसर दीजिए आप लोग। सुविघ्न तो होता नहीं है और विघ्न तो होगा नहीं, क्योंकि इसी का विलोम पूछ रहा और सविघ्न। इसका करेक्ट आंसर होगा अनविघ्न, ठीक है। करेक्ट आंसर ये सी। सी किन लोगों ने दिया है? जिन्होंने सी आंसर दिया उनका सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर लीजिए सी। चलिए आइए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? नहीं है, नहीं पूछा है ना। देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अमर्स। चलिए बताइए आप लोग। अच्छा लिखा हुआ, सॉरी सही है, लिखा हुआ है। ये क्या आ गया? सॉरी मैंने देखा नहीं। अमर्स, दिवाकर, भास्कर या अंशुमाली, बताइए। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं देखिएगा। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। दिनकर सही है, भास्कर सही है, अंशुमाली सही है, लेकिन जो अमर्स है या अमर्स सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? आंसर दीजिए आप लोग। अमर्स किसका पर्यायवाची है? आप लोग आंसर दीजिए। यह क्रोध का है, ठीक है, क्रोध। हम लोग जो आए दिन क्रोध करते रहते हैं उसी का पर्यायवाची है अमर्स। करेक्ट आंसर ये जे ए। आइए दूसरा देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। देखिए जब प्रगतिशील लेखक संघ की जो जो प्रगतिशील संघ लेखक की जो अधिवेशन हुआ था, इसमें ना प्रेमचंद जी के साथ जैनेन्द्र भी थे ना, जैनेन्द्र भी थे, जब लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। लखनऊ में हुआ था, तो जो प्रेमचंद जी के साथ जैनेन्द्र भी गए थे। करेक्ट आंसर ये ए। जिन्होंने ए आंसर दिया उनका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या द्रुस्वामिनी। बताइए इनमें कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? देखिए स्कंदगुप्त तो है, चंद्रगुप्त भी है, ध्रुवस्वामिनी भी है, लेकिन ये करबला, करबला इनका नहीं है।
आप लोग बताइए करबला किसकी नाटक है, करेक्ट आंसर सी होगा, करबला किसका नाटक है, कमेंट करिए आप लोग, इससे आप लोगों को याद भी होता रहेगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, इतिधन आदि, इतिधन आदि, इतिधन आदि या इतधन आदि। देखिए इसमें भी यह से पहले आधा अक्षर आया है ना, आधा व्यंजन आया है, तो कौन सी संधि है, यण संधि है ना, कौन सी संधि है, यण संधि। यह ट्रिक बहुत अच्छी है, यह या वह के पहले कोई भी व्यंजन आए आधा तो कौन सा संधि होता है, यण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इतिधन आदि, इत्यादि, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। आइए दूसरा देखिए, सूची का मिलान, सूची एक का मिलान सूची दो से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीरगाथा काल नाम दिया, राहु सांकृत्यान ने सिद्ध सामंत काल या मिश्र बंधु ने आदिकाल। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, क्या दे रहे हैं आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था, वीरगाथा काल ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, आदिकाल, राहु सांकृत्यान ने सिद्ध सामंत काल, बचा कौन, मिश्र बंधु जी ने प्रारंभिक काल कहा। तो इसमें कौन सा सही है, पहले का दो, पहले का दो, दूसरे का चार, तीन एक, करेक्ट आंसर ये डी, जिन्होंने डी आंसर दिया उनका सही है, ठीक है। आइए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आने वाले कवि का नाम बताइए, नहीं संत काव्य परंपरा अंतर्गत आने वाले कवि का नाम, कबीरदास, दादूदयाल, नानक या नंददास, बताइए आप लोग, संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम क्या है, कबीर, दादूदयाल, नानक या नंददास, आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, इसका फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। देखिए नंददास तो नहीं थे, ना नानक थे, ना कबीर थे, अगर कोई संत काव्य परंपरा में थे जैसे दादूदयाल, मलुकदास, ये लोग थे, करेक्ट आंसर ये जो बी होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ये जो बी, सुंदरदास, ये लोग काव्य परंपरा में थे, बी जिन्होंने बताया उनका सही है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था, मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह, आंसर दीजिए। देखिए इसका सब ये आलोचक वाला क्वेश्चन है ना, इसमें किस कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का गलत, सब लोग आंसर सही दीजिएगा, ठीक है। अगर छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आलोचक का बात करें तो किसने किया था, मुकुटधर पांडे जी ने ना, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मुकुटधर पांडे जी ने, करेक्ट आंसर दीजिए ए। आइए दूसरा देखिए, केशव कहीं ना जाए का कहिए यह पंक्ति किस रचनाकार की है, अच्छा लगता रिपीट हो गया है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए केशव, केशव ये किसको, केशव का, केशव किसे कहा गया है, माधव जी को, माधव कौन, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ना, तो श्री कृष्ण, कृष्ण को कौन मतलब सबसे प्रिय, कौन सबसे प्रिय मानते थे अपने आप को, देखिए इसमें केशव माधव से कृष्ण राम को कहा गया है, क्योंकि यह पंक्ति हमारे तुलसीदास जी का है ना, क्योंकि राम कृष्ण माधव सब एक ही हैं, इसलिए तुलसीदास जी राम राम भक्ति से थे, सूरदास जी कृष्ण भक्ति से थे, तो राम ने तुलसीदास ने ये केशव श्री राम को यह कहा है, केशव रहीम कबीर, देखिए केशव को केशव देख के ना आंसर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाए, करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है, डी जे करेक्ट आंसर। निठिल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है, श्रीलाल सुख, गोपाल प्रसाद व्यास, रविन्द्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई जी, बताइए। अच्छा इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो है निठिल्ले की डायरी और दूसरा है हास्य व्यंग निबंध लिखने वाले कभी का नाम भी इसमें आ गया, दो दो क्वेश्चन इसमें बन गया है, श्रीलाल सुख जी तो है नहीं, गोपाल कृष्ण व्यास भी नहीं है, रविन्द्रनाथ त्यागी भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हरिशंकर परसाई जी हैं, डी, जिन्होंने डी आंसर दिया उनका सही है,
निठल्ले की डायरी किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। आइए दूसरा देखिए, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातन, संसद से सड़क तक, या किसी पर नहीं। ये चारों रचनाएं किसकी है? धूमिल जी की है ना, सुदामा पांडे धूमिल जी का है। चलिए आंसर दीजिए, किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए किसी पर नहीं, इस पे नहीं मिला था, ना तो संसद से सड़क तक मिला था और ना ही सुदामा पांडे का प्रजातन। कल सुनना मुझे, इसी पे इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। करेक्ट आंसर इजे ए, ठीक है, करेक्ट आंसर इजे ए। आप लोग क्या बता रहे हैं? ए, हाँ करेक्ट आंसर ए है। चलिए ये दूसरा देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। सन 1940 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1955 ईस्वी, या सन 1958 ईस्वी। तार सप्तक के संपादक प्रकाशन कौन किए थे? हमारे अज्ञ जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ। इसका प्रथम प्रकाशन तार सप्तक कब हुआ था? तार सप्तक इसको प्रथम नहीं, तार सप्तक ही बोलेंगे, सन 1943 ईस्वी। ये तो सबको याद रहता है। करेक्ट आंसर ये बी, जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है। आइए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? वीर गाथा काल, संदेश शासक, जय मयंक जसचंदिका, आलाखंड, या भक्तमाल। बताइए वीर गाथा काल, जहां वीरो, जहां पर प्रधान रस क्या होता है? वीर रस, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो, नरसिंह विजय, आलाखंड। आलाखंड किसका है? जगनिक जी का है। जय मयंक जसचंदिका किसका है? मधुकर जी का है। भक्तमाल किसका है? नाभादास का। संदेश राशक का बताइए आप लोग, संदेश राशक किसकी रचना है? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। देखिए जो भक्तमाल है नाभादास जी का है, भक्ति काल का है ना, ये नाम से ही लग रहा है, इसलिए वीर गाथा काल की रचना कौन सी नहीं है? डी, भक्तमाल। करेक्ट आंसर ये डी। लेकिन आप लोग संदेश राशक किसकी रचना है उनका नाम बताइए, ठीक। आइए आंसर दूसरा देखिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, या चैतन्य महाप्रभु। आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? आंसर दीजिए। अभी मैंने पीछे साथ कुछ व्याख्या भी किया कि राम के लिए सबसे प्रमुख कवि कौन है? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, जो राम भक्त शाखा से थे। और कृष्ण काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो सूरदास जी, जो कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरदास ए, स्वामी वल्लभाचार्य जी नहीं, ना नाभादास, ना चैतन्य महाप्रभु। करेक्ट आंसर इज ए, जिन्होंने ए आंसर दिया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए आइए दूसरा देखिए, अज्ञ की रचना है कुरुक्षेत्र, हरी घास पे छड़ भर, हुंकार, या पवन दूत। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है। देखिए यह कुरुक्षेत्र किसका है? दिनकर जी का है ना। हुंकार किसका है? यह भी दिनकर जी का है। किसका है हुंकार बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। आप लोग क्या बता रहे हैं? यह इनका महाकाव्य है ना, कुरुक्षेत्र दिनकर जी का, यह इनका महाकाव्य है। ये हुंकार भी दिनकर जी का है, लेकिन ये जो पवन दूत है यह किसकी रचना आप लोग बताएंगे? यह हरिओत जी की है ना, पवन दूत या पवन दूतिका, इसे पवन दूतिका भी बोलते हैं। यह हरिओत जी का है। लेकिन जो हरी हरी घास पे छड़ भर, कितनी नावों में कितनी बार द्वार, ऐसे ही है ना, इन्हीं की ये रचना है अज्ञेय जी का, सोपान के द्वार। करेक्ट आंसर इजे बी, जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका सही है, हरी घास पे छड़ भर। आइए दूसरा देखिए,
अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? राजस्थानी में क्या क्या बोलते हैं? मेवाती ना, पश्चिमी मेवाती, मेवाड़ी और जयपुरी। और अगर हम बिहारी हिंदी की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मैथिली सर, मैथिली, विद्यापति भी बिहारी, बिहार के थे ना। और पश्चिमी हिंदी की बात करूं तो उसमें क्या क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी में बताइए, खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, वांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौज, ये सब आते हैं ना। लेकिन अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिक ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बी इज ए करेक्ट आंसर। बिहारी तो होगा नहीं, राजस्थानी होगा नहीं, पश्चिमी हिंदी होगा नहीं, करेक्ट आंसर इज ए बी। मैंने व्याख्या आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, 50 हो गया है। आइए आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछती हूँ, आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि नई कहानी पत्रिका का संपादन कौन किया था? प्रेमचंद ने, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भैरव प्रसाद गुप्त ने? बताइए, नई कहानी पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भैरव प्रसाद ने? का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आप लोगों से कल मिलूंगी इसी टाइम पे। आप लोगों की मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं कि नहीं आप लोग बताइए। उज्जवल भैया, ठीक है, आप आज की क्लास देखिए, हम लोग डेली की डेली क्लास को अच्छा करने की सोच रहे हैं और खुद प्रैक्टिस बन रही है अच्छे से अच्छा, ठीक है। आप लोगों का अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ उसमें पुराने भी रहेंगे, कुछ नए भी रहेंगे, कुछ सरल रहेंगे, कुछ कठिन रहेंगे, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।